नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। ठगी का नया तरीका, पाकिस्तान से आई कॉल, कहा आपके बेटे का हो चुका कत्ल, जाने पूरा मामला। आप क्या कर रहे हैं यहाँ घर पर, उधर आपके बेटे का कत्ल हो चुका है। बस इतनी बात सुनने की देर थी कि ऊना से सटे रामपुर निवासी परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार में मां सहित अन्य महिलाओं ने रोना धोना शुरू कर दिया। घबराए परिवार की जान में जान तबाही जब परिवार के मुखिया ने बेटे के स्कूल पहुंचकर उसे सही सलामत पाया। हैरान कर देने वाले मामले में हुआ कुछ यूं कि रोज की तरह नौवीं कक्षा का छात्र रामपुर निवासी आसिफ पुत्र जमील राज्य के उच्च विद्यालय समनाल में पढ़ाई करने के लिए चला गया। इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान कोड के 9232867185 नंबर पर से एक व्हाट्सएप कॉल परिवार को आती है, जिसमें एक बात करने पर आगे से जवाब मिलता है कि आपके बेटे का कत्ल हो चुका है, आप घर पर क्या कर रही हैं। घर पर महिलाओं ने कॉल सुनी तो दंग रह गई और चीख पुकार मच गई। महिलाओं ने ऊना में सब्जी की दुकान चलाने वाले आसिफ के पिता जमील को फोन किया। उन्होंने धैर्य रखकर अपने सगे भाई संग सबसे पहले स्कूल जाकर आसिफ का पता किया तो वो कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। बारिश बर्फबारी में अब ठप नहीं होगा कालका शिमला रेल ट्रैक, खतरा बने 150 पेड़ हटाए। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर बर्फबारी के दिनों में पेड़ ढहने से रेल सेवाएं बाधित नहीं होगी। रेलवे विभाग ने कालका से शिमला के बीच ट्रैक के लिए खतरा बने 150 पेड़ों को काट दिया है। इनमें अधिकांश पेड़ सोलन से शिमला के बीच काटे गए हैं। बर्फबारी और बारिश से ट्रैक के बचाव के लिए रेलवे ने पेड़ चिन्हित किए थे। इनमें ज्यादातर पेड़ ट्रैक की ओर झुके हुए थे। सर्दियों में हेरिटेज ट्रैक पर बर्फबारी और बारिश होने से शिमला से सोलन के बीच पेड़ ढहते हैं, इससे कई दिनों तक रेल सेवा बंद हो जाती है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी शिमला का रुख करते हैं। इस दौरान रेल मार्ग से टॉय ट्रेन में शिमला आना ही सैलानियों के लिए आवाजाही का साधन होता है। अब पेड़ कटान होने से बर्फबारी में रेल सेवाएं बंद नहीं होगी। नहीं आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका की मौजूदगी में होगा सुक्खू सरकार का राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ही मौजूद रहेंगे। इनके अलावा दिल्ली से समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और सह प्रभारी तेजेंद्र बिट्टू भी आएंगे। हिमाचल में बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्र में होगी बारिश। 4 दिन बाद सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 2 दिन से धूप निकलने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल्लू के सेवबाग में 9 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक का अंतर पाया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि और कुछ पर गिरावट दर्ज की गई है। 11 दिसंबर से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। इन दिनों केलांग, कल्पा, समदू व कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सिरमौर के धोलाखो में न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री व नारकंडा में 2.8 डिग्री वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 11 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है।